नमस्ते, क्या आपको महारेरा की तरफ से हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करने के लिए मेल आया है? क्या आपको वो रिटर्न कैसे फाइल करना है उसकी जानकारी हेल्प चाहिए? क्या आपको उस रिटर्न को भरने के बाद महारेरा के वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है उसमें भी हेल्प चाहिए? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं सीए सुभाष पानगांवकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका सीएएसपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो शुरुआत में जो महारेरा ने ऑर्डर नंबर 43 लाए हैं, तो उसके ऑर्डर के हिसाब से ये रिपोर्ट जो है वो हर 6 महीने के बाद भरना है और वो फॉर्म 6 में फॉर्म 6 में फाइल करना है। ये फॉर्म जो है ये सबसे पहले 6 माही हैं वो 1 अप्रैल से 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, और अगली 6 माही 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक होगा। जो पहला हाफ ईयरली रिटर्न है 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 सितंबर 23 तक, उसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2023 है, और अगली 6 माह की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2024 है। अगर फॉर्म फाइल करने में डिले हो जाता है या फॉर्म नहीं फाइल किया जाता है, तो इस ऑर्डर में कहा गया है कि अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। तो फाइन पेनल्टीज अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वो बाद में पता चलेगी। सो इस फॉर्म में शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन भरनी है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये आपके लेटर हेड पर टाइप कराना है। उसके बाद यहाँ पे जो डेट मेंशन करनी है, वहाँ पे जिस तारीख को आप ये फॉर्म साइन करने वाले हैं वो डेट डालनी है, और बाद में जो आपका नाम और महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर से आएगा। बाद में जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, वो आपको अगर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट IBPS से मिला है तो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके आगे जो पीरियड डालना है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 इस तरह से डाल देना है। तो ये हो गई इनिशियल स्टेज की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो फॉर्म चालू होता है वो फॉर्म 3 टेबल में है। टेबल ए है जिसमें आपको जिस प्रोजेक्ट में, महारेरा प्रोजेक्ट में आप रजिस्टर्ड एजेंट करके रजिस्टर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद टेबल बी में आपको आपने अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 इस 6 माही में जो भी सेल या बुकिंग किया है और उसमें से जो भी आपको इनकम आया है उसकी जानकारी देनी है, और टेबल सी में आपको प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये टेबल सिर्फ जिन रियल इस्टेट ब्रोकर्स का एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं टेबल ए के बारे में। फॉर्म 6 का जो टेबल ए है उसमें जैसे कि मैंने बताया, आपको डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट इन विच यू आर वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एजेंट इनकी जानकारी देनी है। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जानकारी देनी है। अब ये जानकारी आपको वेबसाइट से कैसे मिलेगी, चलिए ये जान लेते हैं। ये टेबल 6 इस तरह से दिखता है। इसके जो डिटेल्स है वो आपको नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो आपको सबसे पहले रेरा के होम पेज पे जाना है। होम पेज का ये एड्रेस है। तो जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे आपको ये लैंडिंग पेज ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ रियल इस्टेट एजेंट के ऊपर से क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज पॉपअप होगा। तो आप यहाँ पे पहले आपका नाम टाइप कीजिए, उसके बाद फिर सर्च डालिए, तो आपका नीचे यहाँ पे डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उस पर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे आपको वो अगले वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगा। आप यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिपोर्ट डिस्प्ले होगा जिसमें शुरुआत में आपका नाम और आपके डिटेल्स दिखेंगे। उसके बाद आपके एड्रेस के डिटेल्स आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे। फर्दर स्क्रॉल करने के बाद आपको पास्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स, ब्रांच डिटेल्स और एजेंट रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट के डिटेल्स, और आपने जो अपलेटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसके डिटेल्स मिल जाते हैं।
उसके नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ पे आपको प्रमोटर्स के डिटेल्स मिल जाते हैं, जिसमें कॉलम दो पे प्रमोटर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, और कॉलम तीन में प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट नंबर, रेरा सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पिकअप करनी है और यहाँ फिलअप करनी है। तो ये हो गया टेबल ए, बहुत ही सिंपल था। चलिए अब आगे चलते हैं टेबल बी की तरफ। टेबल बी जो है उसमें डिटेल्स ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, यूनिट्स, ये जो बुकिंग आपने किया है या सेल किया है और उससे जो आपको ब्रोकरेज इनकम मिला है उसकी जानकारी देनी है। ये सिर्फ 6 महीने अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक का जो इनकम है वो यहाँ पे देना है डिटेल्स। तो इसमें पहले दो कॉलम जो है उसमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स होते हैं, जिसमें पहले कॉलम में नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और दूसरे कॉलम में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। और अगले तीन जो कॉलम है उसमें आपने जो टाइप ऑफ यूनिट जो है वो प्लॉट है, शॉप है या अपार्टमेंट है, उसके डिटेल्स देने हैं। फिर वो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या अदर कैटेगरी का है, उसके डिटेल्स देने हैं। और आखिर में उसका यूनिट नंबर है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई रेसिडेंशियल फ्लैट किसी स्कीम में बुक किया है तो शुरुआत में उस स्कीम का नाम, उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों डिटेल्स आप उस जो प्रोजेक्ट है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उससे भी ले सकते हैं। और फिर अगले तीन जो कॉलम है उसमें आप समझिए रेसिडेंशियल फ्लैट है तो अपार्टमेंट डालिए, अगले रेसिडेंशियल कमर्शियल के कॉलम में आप रेसिडेंशियल डालिए, और यूनिट नंबर का जो कॉलम है उसमें आप समझिए फ्लैट नंबर 506 है, ए विंग है, तो वो डिटेल्स आप डाल दीजिए। अब अगला जो कॉलम है वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इसमें आपने जो अप्रैल से सितंबर तक अकाउंटिंग एंट्रीज पास की है आपके ब्रोकरेज इनकम बुक करने के लिए, उसमें जो इनवॉइस रेज किया होगा तो उस इनवॉइस का डेट आपको यहाँ पे डालना है, और आखिर में आपका ब्रोकरेज इनकम जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ डालना है। तो इस पार्ट बी में जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम अब जान लेते हैं। अब टेबल बी में जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ये टेबल में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो किस पीरियड के लिए देनी है। तो ये जो फर्स्ट हाफ ईयर है, जो फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक जो भी आपका ब्रोकरेज इनकम आपने बुक किया है अकाउंट्स में उसके डिटेल्स आपको देने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपका सेकेंडरी मार्केट से जो ब्रोकरेज मिला है या रेंटल इनकम से जो ब्रोकरेज मिला है क्या वो उसमें देना है। तो आंसर नो है, इसमें सिर्फ आपका जो महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और जिनका आपको इनकम बुकिंग के थ्रू या सेल के थ्रू आपने अकाउंट्स में बुक किया है उसकी जानकारी आपको इस टेबल में देनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन डेट है उसमें कौन सी डेट डालनी है। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनवॉइस डेट डाली है या जिस डेट को आपने अकाउंटिंग एंट्री ली है उस डेट, उसकी डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और लास्ट में जो मेंशन किया करना है वो आपका ब्रोकरेज इनकम है। तो इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ आपका जो नेट इनकम है, जीएसटी वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं करना है, आपका नेट ब्रोकरेज का जो फिगर है वो लास्ट कॉलम में मेंशन करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेबल बी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं टेबल सी में कैसे जानकारी भरनी है। सो टेबल सी ये है, इसमें डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स, इनकी जानकारी देनी है। तो ये जो टेबल है ये जिन रियल एस्टेट ब्रोकर्स का इनकम 20 लाख या उससे ऊपर है इनके लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 2022-23 में 20 लाख से कम है तो ये टेबल आपके लिए एप्लीकेबल भरना नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इस टर्नओवर में 20 लाख के टर्नओवर को कैलकुलेट करते वक्त रेंटल इनकम हो या सेकेंडरी मार्केट से सेल करने का इनकम हो या फिर प्राइमरी मार्केट से मिला हुआ ब्रोकरेज हो, सारे मिला के आपको ये 20 लाख का टर्नओवर कैलकुलेट करना है। और आगे जो डिटेल्स देने हैं वो प्रिंसिपल ऑफिसर के डिटेल्स देने हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिसर वो है जिसको
ओनर ने नॉमिनेट किया है एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, और उस प्रिंसिपल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो रेरा को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है वो उसने ओनर को सब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, सीएफओ, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कंट्रोलर या कोई भी आदमी जो नॉमिनेट किया गया है इस पोस्ट के लिए वो हो सकता है। अब डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है, नाम पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर में या इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है या कंपनी भी हो सकती है। बेसिकली डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जिसमें वो इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हो, ये वो आदमी हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेरा को टाइम टू टाइम और ये इंफॉर्मेशन सबमिट करे। ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर एक ही आदमी हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अगर ये दो अलग आदमी हो तो अच्छा होगा। अब ये टेबल सी ऐसे कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर की इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ पे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने हैं, और यहाँ पे जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा है तो वहाँ पे आपको अगर वो कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन से पास किया गया है उस रेजोल्यूशन का रेफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, और अगर फर्म है तो जिस पार्टनर को ऑथराइज किया गया है एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, तो उस अथॉरिटी लेटर का आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्म टेबल ए, बी और सी हमने देख लिया, अब कौन कौन से पॉइंट हैं जो इस पूरे फॉर्म के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये जो फॉर्म है वो आपको आपके लेटर हेड पे टाइप करना है, वो उसको आखिर में टेबल सी के बाद आपको स्टैम्प साइन करके उसको आपका कॉमन सील एफिक्स करना है, और इसकी स्कैन कॉपी जो है वो महारेरा के वेब पेज पे आपको अपलोड करनी है। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2023 है। अगर ये फॉर्म लेट फाइल किया गया, 20 अक्टूबर 2023 के बाद फाइल किया गया या फाइल ही नहीं किया गया, तो रेरा ने सर्कुलर 43 में ऐसा कहा गया है कि एक्शन वो लेगी एज इट विल डीम फिट। तो यहाँ पे अभी कितना फाइन लगेगा ये उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो ये था पूरा टेबल फॉर्म 6 के बारे में जानकारी। चलिए अब देखते हैं इस फॉर्म को रेरा के वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है। तो जब आप शुरुआत में रेरा की वेबसाइट ओपन करेंगे, नई वेबसाइट का एड्रेस है www.maharera.maharashtra.gov.in। ये जब आप फाइल ओपन करेंगे पेज, तो लैंडिंग पेज पे आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो 3 लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आप ऐसे एक पेज पे, आप लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रियल इस्टेट एजेंट के मेनू पे क्लिक करना है। रियल इस्टेट एजेंट के मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको सब मेनूज ओपन आ जाएंगे, उसमें जो करेक्शन करके सब मेनू है उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड कैचे टाइप करके आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद आपको 3 डॉट लाइंस दिखेगी, उस लाइन पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपको ये ऐसे मेनू ओपन हो जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के मेनू पे टैप कर दीजिए। तो आप इस पर टैप करने के बाद आपको और 3 सब मेनूज ओपन हो जाएंगे, तो उसमें से आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके टैब है उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दीजिए और वहाँ पे फाइल चूज करके उस फाइल को अपलोड कर देना है। बस इतना आसान है ये सारा चीज़। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप फॉर्म 6 को महारेरा के वेबसाइट पे आराम से अपलोड कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और मैं हर हफ्ते ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।